हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने परिवार के संग होंगे और मेरे भोलेनाथ की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। भोलेनाथ अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहती है सुबह उठकर। वैसे भी सावन चल रहे हैं अभी, तो भोलेनाथ तो सबकी प्रार्थना सुनते हैं, तो मेरी तो सुनते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए भी अपनी प्रेयर करती हूँ कि सबको ठीक रखना। तो आ चुकी हूँ मैं अपने गार्डन में और देखिए यहाँ पे चल रही है बहुत बारिश। और आपने देखा होगा आगे कि मेरी मक्खियाँ कैसे ढल चुकी है, मेरे भिंडी के पेड़ भी ढल चुके हैं क्योंकि बहुत बड़े हो चुके थे। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है मेरी गार्डन में। तो देखिए कितनी तोरियाँ लटक रही है हमारे जाले में, आप देख रहे होंगे। और आज मुझे भी मिला है मौका सब्जी तोड़ने का और मैं भी काट के निकाल रही हूँ। और पतिदेव थोड़ा डांट भी रहे मुझे कि ढंग से तोड़। तो ये तो डांट चलती रहती है हम लोगों में, थोड़ी सी डांट खाती हूँ तो चलता रहता है इतना में हम दोनों में, पति पत्नी में। अगर थोड़ी सी झगड़ा ना हो तो फिर कैसे चलेगा। तो इन्जॉय भी करते हैं हम लाइफ को और ऐसे ही चलते रहते हैं। तो देखिए मैं तोड़ रही हूँ तोरी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है तोड़ने में। चाहे मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे पर फिर भी मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि जो है आनंद आता है ना, क्योंकि जो देखने में जो आनंद आता है उन्हें तोड़ने में भी ज़्यादा आनंद आता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तोड़ूँ इनको। वैसे हस्बैंड जी तोड़ सकते थे लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ही तोड़ूँगी। तो मुझे बहुत ही आनंद आता है अपने खेत में आने में। जब मैं इधर को आती हूँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अपने खेत में ना आऊँ, क्योंकि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है। जैसे कल तोरी थोड़ी छोटी थी तो आज बड़ी हो गई, तो कुछ नई भी आ गई है। अब चचिंडे भी लगने लग गए हमारे। तो देखिए आज थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है क्योंकि रात को बहुत बारिश हो चुकी थी। और आपको पता है देहरादून में तो डेली बारिश चल रही है, डेली, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं आ रही है। तो अभी फिलहाल मौसम ठीक ठाक है। तो हम आ चुके हैं सब्जी तोड़ने के लिए। हम सब्जी एक साथ तोड़ लेते हैं अपनी दो तीन दिन की। तो यहाँ पे निकल चुकी है हमारी तोरी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब मेरे चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा हो कितनी खुशी रहती जब मैं सब्जी तोड़ती हूँ। और यहाँ पे देखिए गुच्छे में लग रही है हमारी मिर्चें, तो हरी मिर्चें भी डाली जाएगी अब। ये मिर्चें बहुत तेज़ होती है खाने में, दो मिर्च में ही काफ़ी मिर्च लग जाती है सब्ज़ी में। इसे तो खाया नहीं जाता पर सब्ज़ी में डाल देती हूँ मैं। और मैंने थोड़े नींबू भी तोड़ लिया। मैं इन सब्जी को धो धा के ले चलूँगी किचन में। मैं बाहर ही धो रही हूँ आज, मैं किचन में नहीं धो रही हूँ इनको। मैंने कहा यहीं पर धो रही थी बाहर में, गौशाला के सामने हमारी जो नल है वहीं पर धो रही हूँ। भिंडी सब कुछ धो के ले चलूँगी मैं अंदर सीधे। और अब मुझे टब में लानी पड़ रही है सब्जियाँ। अब मेरे को सब्जियाँ ज़्यादा हो रही है तो टब में ला रही हूँ मैं। और ये टब मेरा सब्जी के लिए बन गया है क्योंकि मुझे इसमें रोज़ सब्जियाँ लानी पड़ रही है। रोज़ क्या, तीसरे चौथे दिन में निकालते हैं हम। अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमें नहीं दे रही, पर दोस्तों इतना नहीं हो पाती कि मैं बांट पाऊँ, इतनी हो पाती कि मैं अपने घर के लायक निकाल पाऊँ। मुझे खरीदनी नहीं पड़ती। अब मेरा बस चले तो मैं सबको दे दूँ पर मैं नहीं दे पाती क्योंकि इतनी सब्जी नहीं होती है। मुझे भी ये तीन चार दिन चलानी है। मेरा मकसद है कि आपको दिखाना है, आप भी सीखिए मेरे से गार्डनिंग। अगर आप चाहते हो तो मैं बताऊँगी कि हम कब कब सब्जियाँ बोते हैं, कैसे कैसे बोते हैं। तो मेरा तो यही है कि मतलब नेचर कैसे आप कर सकते हो, नेचर से प्यार, हमें तो प्यार है तो आप ही कर सकते हो। ऐसी अपने घर की सब्जियां खा सकते हो। तो मेहनत तो लगती है दोस्तों, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होता। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें तो बहुत मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के तो आप कुछ भी नहीं उगा सकते। बहुत टाइम भी लगता है, एकदम तो कोई सब्जी नहीं होती है, ये सब में टाइम लगा हमें। और अभी गर्मियों की सब्जी बोई थी वही चल रही है, बरसात की सब्जी नहीं हुई हमारी अभी। बरसात की बेलें गल गई हैं, इस बार लौकी की बेल भी गल चुकी है हमारी, नहीं तो लौकी भी खा लेते थे हम। आप देख रहे होंगे करेले कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी सब्जी सही है, कुछ ख़राब भी निकलेगी काटने के बाद। अब बरसात इतनी हो रही है कि सब्जियों में ख़राब होनी है, पानी भर जा रहा है अंदर तक। और आज थोड़े अनार भी निकल चुके हैं। तो अब इसके बाद नाश्ते की तैयारी की जाएगी। यहाँ पे हस्बैंड जी लग चुके हैं गाय माता के लिए कुट्टी काटने में। तो इसके बाद मैं चलती हूँ किचन की ओर और सब्जी की तैयारी करती हूँ।
मैंने आज बना रही हूँ मैं तोरी, मैंने काट के इसे छोंक भी दी है। तोरी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिंपल सा मसाला है और जखिया का तुड़का है। और बिना टमाटर के भी तोरी अच्छी होती है, पर मैंने आज डाल दिया एक टमाटर। आजकल की सब्ज़ियों में टमाटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, चढ़ा दूँगी। तो दोस्तों मेरा तो है आज व्रत, क्योंकि आज है सोमवार तो मेरा व्रत चल रहे हैं। हर मंडे को रख रही हूँ, जब तक सावन चलेंगे तो मैं तोड़ रही हूँ फूल मंदिर पे जाने के लिए। घर में मैंने पूजा कर ली है, नहा धो गई थी मैं नाश्ता बनाने के बाद। हस्बैंड जी रोटी चले गए, उनका टिफ़िन पैक करा और वो लेके चले गए। तो मुझे नाश्ता तो उनके लिए बनाना था आज, क्योंकि वो तो नहीं रखते व्रत, मैं रखती हूँ। तो ये देखिए मैं अपने गार्डन से क्या प्यारे प्यारे फूल तोड़ रही हूँ। सब कुछ मुझे अपने गार्डन में मिल जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे टूट रहे हैं गुलाब, जो कि मैं मंदिर में लेकर चलूँगी आज। ये सब सुबह सुबह खिले हैं फूल भोलेनाथ के चरणों में चढ़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये टोकरी तैयार हो रही है मेरी भोलेनाथ के लिए। मैं जा रही हूँ मंदिर, तो देखिए मैं लेके जा रही हूँ अपने ही गार्डन से निकाले अनार। और ये है फूल, सज रही है मेरी टोकरी भोलेनाथ के चरणों में चढ़ने के लिए। और मेरा व्रत भी है, और ये मैं धोती लेके जा रही हूँ अलग से, माची से मेरी। और भोलेनाथ को हल्दी और चावल का टिक्का लगाऊंगी, कई बार भूल जाती थी, आज याद था तो रख लिया ये। दोस्तों ये है मेरा गाय का दूध, क्योंकि मुझे थर्मस में लाना होता है, क्योंकि हम काफ़ी दूर जाते हैं तो लोटे में गिर जाएगा, लोटा में अलग से ले जाऊंगी तो वहीं पर मैं डालूंगी। तो देखिए ये मेरी भोलेनाथ की थाली टोकरी तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं मंदिर, आप भी चलिए। हर हर शंभू। तो दोस्तों रास्ते में हमें धतूरा का पेड़ मिला है, तो हम यहाँ पर से एक धतूरा तोड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं मतलब, क्योंकि बाहर लगा होता। और हम चल रहे हैं अब अपने मंदिर में, जो हमारे गांव में पड़ता है मंदिर, काफ़ी दूर है, हम पैदल जाते हैं, हमें पैदल जाने में अच्छा लगता है। तो देखिए धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जंगल है, तो हमें छाया भी मिल रही है, धूप के साथ साथ छाया भी मिल गई, क्योंकि अब जंगल स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली है चारों तरफ और पेड़ों की छाया मिल रही है। और आज आप देख रहे होंगे कि मैंने आज हरा सूट पहना हुआ है, सावन में तो हरा अच्छा ही लगता है। तो हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में, 25। मैंने अपनी सहेली को कहा मेरी वीडियो भी बना दे थोड़ा। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, हमने पूजा की पूजा भोलेनाथ की, आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। मंदिर में कीर्तन भी चल रहा है, तो हम कीर्तन भजन सुन के चलेंगे आज।
तो दोस्तों कीर्तन हो चुका है, तो यहाँ पे इन दीदी लोगों ने कहा कि प्रसाद लेके जाना है, तो हम भी वेट कर रहे हैं अपना, हम भी प्रसाद लेके चले जाएंगे। हमें भी सौभाग्य मिला है, हमने कीर्तन भी सुना है मंदिर में और हमें प्रसाद भी ले जा रहे हैं हम, तो प्रसाद बांट रहे हैं सबके लिए, लगा रहे हैं प्लेटों में। और देखिए यहाँ पे पानी भी बह रहा था, वही पानी आजकल बढ़ गया है वहाँ पर। प्रसाद लेके चलेंगे सबके सब घर की ओर, क्योंकि अब बज चुके हैं 12:30। कीर्तन भी हो चुका है, भोलेनाथ के दर्शन भी हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम चले घर की ओर। और यहाँ को चारों तरफ बंदर भी है, थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं पीटे ना हमें, क्योंकि बंदर बहुत तेज है इधर के। दोस्तों अब हो चुकी है श्याम और हम आ चुके हैं अपने खेत में। और यहाँ पे देखिए हमारा जो गागले थे उनकी हमने निलाई कर दी है, ये पूरी निलाई हो चुकी है, बहुत घास था इनमें। तो आज हम आए हैं यहाँ पे मंडवे की गुड़ाई करने के लिए, मंडवे में भी हमारा बहुत घास हो रहा है तो इसका भी गुड़ाई करनी है। मैं तो नहीं करूँगी लेकिन आज जो दीदी आ रखी है वो कर रही है। देखिए कितना घास हो रखा है हमारे मंडवे में, पता ही नहीं कौन सा घास है कौन सा मंडवा है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी लग चुके हैं। मुश्किल हो रहा है पहचानना कि कौन सा घास है और कौन सा मंडवा है। तो दीदी को तो बहुत अच्छी पहचान है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके कीजिए, तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि हम आज दूसरे दिन आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, एक दिन में तो नहीं होने वाला है काम। देखिए कैसे हटा रहे हैं, पूरा ही घास लग रहा है, मंडवा तो दिख ही नहीं रहा है। इसी बारी से बांध के एक जगह में इकट्ठा कर देंगे, फिर ये सड़ जाएगा घास, इसकी खाद भी बन जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बाय बाय, राधे राधे, जय भोलेनाथ।